Okay, students, yesterday we discussed as to how or what happens to the food when it is in your mouth. What is the action of saliva on the food? And third very important thing, how or where it is traveling, what is the next destination of the food after it has moved from the buccal cavity to the food pipe, that is esophagus. This is the esophagus. Or food pipe. After food has traveled through this by the movement of the muscles of the food pipe, its next destination or where food reaches is a bag-like structure, which is called as stomach. It is reaching the stomach now. तो stomach में जब food पहुंचेगा, हमने already पढ़ लिया है कि जो food का carbohydrate component है, carbohydrates component है, that is being partially digested in the buccal cavity. Buccal cavity में जो food का carbohydrate component है, वो partially digest हो जाता है. अब food जो partially digested है, smaller pieces में है, that has reached the bag-like structure, which is called as the stomach. अब stomach में क्या हो रहा है? Stomach जो है एक thick-walled bag है, ठीक है? It's like a bag present on the left side of your abdomen. It is present on the left side of the abdomen. आपकी left side के ऊपर stomach जो है वो present है. Stomach में यहाँ पर left side पे आपके present है. ये widest जहाँ elementary canal सबसे wide होती है ना? This is the region where elementary canal is the widest one. सबसे wide इसी जगह के ऊपर होती है, ठीक है? And ये भी आपने ध्यान रखना है कि esophagus के बाद में जब वो food जो esophagus से चला था, when it has reached into the stomach, the food is going to be further broken down. यहाँ पर और further जो है उसकी breakdown होगी food की into simpler substances. तो यहाँ पर food जो है ना, it is churned. Churned के लिए ये word हम use करते हैं. Churned. Churned के लिए आपको otherwise it is a mixing of food. लेकिन अगर I'm sure all of you might have seen a construction site जहाँ पर कि cement और जो small pebbles होते हैं उसके mixture को mix किया जाता है. एक machine होती है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और वो उसके अंदर जो ये मिक्सचर डालते हैं वो चर्न करता रहता है, ठीक है? तो what happens is okay बेटा, so what happens is मैंने आपको बताया कि जब स्टमक में फूड पहुँचता है तो वो चर्न होता है. चर्न के लिए मैंने आपको बताया जो मशीन, एक मिक्सिंग मशीन होती है ना कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, जिसमें हम सीमेंट और पेबल्स और सैंड डालते हैं और उसके बाद वो मिक्स होता है, बड़ी आवाज करती है, इट कीप्स द होल मशीन आल्सो समटाइम्स मूव्स. तो वो वाली चर्निंग जो होती है ना, ऐसी ही कुछ चर्निंग फूड की हमारे स्टमक में होती है. अब फूड जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 आवर्स के लिए जो हम एक मील खाते हैं ना, एक मील खाते हैं, इट टेक्स ऑलमोस्ट अबाउट रफली अबाउट 20 मिनट्स After you have eaten the food, आपके mouth से जो food गया है, meal गया, it takes 15 to 20 minutes for it to reach the stomach. ऐसे नहीं कि आपने मुंह में डाला और अंदर जाते ही ठप करके अंदर यहाँ गिर गया. No, it doesn't. ठीक है? It takes time from यहाँ से जो food pipe में से है, it goes slowly and for about 3 hours एक meal जो है हमने खाई है, वो churn होती है stomach के अंदर, churn होती है. पूरी तरह से मिक्स होती है. अब उसके अंदर चर्न, मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सीमेंट सैंड वाटर और पेबल्स को मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पर भी मिक्स करने के लिए कुछ होना चाहिए ना. तो ये जो स्टमक है, स्टमक जो है इट रिलीजेस, उसकी जो अंदर की लाइनिंग है, स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है ना, इनर वॉल, जो इनर वॉल है स्टमक की, ये थिक वॉल्ड होता है, काफी थिक वॉल्ड होता है, तो वो बहुत सारी चीजें सेक्रेट करता है. व्हाट डज इट सेक्रेट? स्टमक में से क्या क्या सेक्रेट हो रहा है? स्टमक में से सेक्रेट हो रहा है म्यूकस, स्टमक में से सेक्रेट हो रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस,
एंड सबसे इंपॉर्टेंटली स्टमक में से सिक्रीट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एसिड हमारे स्टमक में उसकी लाइनिंग जो है इट इज सिक्रीटिंग. ये जो तीन चीजें हैं दैट इज बीइंग सिक्रीटेड बाय द स्टमक की अंदर की जो लाइनिंग है ये एक म्यूकस सेक्रीट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेक्रीट करता है. अब आप बोलेंगे एसिड हमारे स्टमक में, यस ये बहुत ही माइल्ड एसिड है जो हमारा स्टमक सेक्रीट कर रहा है, ये बहुत माइल्ड है लेकिन बहुत जरूरी है. तो ये तीन चीजें स्टमक जो है सेक्रीट कर रहा है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ऑल दीज. म्यूकस जो है जो इस हमारी इसने स्टमक की वॉल ने सेक्रीट किया है वो प्रोटेक्ट कर रहा है. किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है लाइनिंग ऑफ द स्टमक अपनी ही सेक्रीशन से, क्योंकि ये एक एसिड है जो कि सेक्रीट कर रहे हैं स्टमक, तो अपनी ही वॉल की जो अंदर की वॉल्स हैं उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सेक्रीट किया जाता है. तो म्यूकस एक लेयर बना देता है ताकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सेक्रीट हो रहा है वो नुकसान ना करे सेल्स को और बाकी के जो अंदर के इंटरनल टिश्यूज हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इट विल नॉट हार्म इट. सो म्यूकस प्रोटेक्ट्स इट्स ओन लाइनिंग स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज बीइंग सेक्रीटेड बाय इट. ठीक है. और दूसरा क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक जो विच इज सेक्रीटेड बाय द स्टमक लाइनिंग ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट. तो डाइजेस्टिव जूसेस का काम हो गया कि वो प्रोटीन्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट हैं उसको ब्रेक. प्रोटीन्स अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं और वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करना है सिंपलर सब्सटेंसेस में और वो डाइजेस्टिव जूसेस का काम है. तो इसका मतलब सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स पार्शली ब्रेक डाउन कहाँ हुए थे? माउथ में, बकल कैविटी में. अब आ गया दूसरा कॉम्पोनेंट हमारे खाने में, प्रोटीन्स होते हैं. तो प्रोटीन्स जो है वो स्टमक में ये डाइजेस्टिव जूसेस के कारण ब्रेक डाउन होंगे इंटू स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स एंड इसको वो ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में ले आएंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एसिड. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे जो अंदर की स्टमक की अंदर की जो कंटेंट्स हैं उनको एसिडिक बनाता है. ये एसिडिक इसलिए बनाता है क्योंकि अगर ये एसिडिक नहीं होगा तो डाइजेस्टिव जूसेस का जो एक्शन है ऑन प्रोटीन्स वो जो होगा वो इनकम्प्लीट रह जाएगा. प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन तभी होगा जब मीडियम पूरा जो होगा अंदर की तरफ जो मीडियम होगा जो कंडीशंस होंगी स्टमक के अंदर फूड के साथ में वो एसिडिक होंगी. तो एसिडिक कैसे होंगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एसिडिक हो रही है लेकिन वो तभी काम करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस जब कंडीशंस एसिडिक होंगी. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है फूड को जो यहाँ पर पहुंचा है पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक में पहुंचा है ना उसको एसिडिक बना रहा है. तो तीनों का फंक्शन आपको पता लग गया. म्यूकस जो है अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है. डाइजेस्टिव जूसेस जो है दे आर ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन पार्ट प्रोटीन कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेकिंग द कंडीशंस और द फूड और द मीडियम एसिडिक इन द स्टमक विच इज मस्ट फॉर द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट एंड ब्रेक डाउन प्रोटीन्स. डाइजेस्टिव जूसेस किसी सर्टन कंडीशंस के ऊपर ही काम करेंगे और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे और वो कंडीशन है कि वहां पर एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए. तो एसिड की प्रेजेंस किससे हो रही है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से आ रहा है? लाइनिंग ऑफ द स्टमक से. वो खुद ही सेक्रीट कर रहा है. समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? अदरवाइज एसिड्स आर वेरी हार्मफुल, हम पी नहीं सकते हैं. ठीक है. दे आर वेरी हार्मफुल एसिडिक्स एसिड्स. तो हम एसिड बेसिस में हमने पढ़ा हुआ है ना, दे आर वेरी हार्मफुल टू अस. सो एसिड जो स्टमक की लाइनिंग है वो तीन चीजें सेक्रीट करेगी और उनके आपने जो फंक्शंस हैं वो रीड कर लिए. अब यहाँ पर क्या हुआ? जब मीडियम एसिडिक हो गया, फूड में से प्रोटीन कंपोनेंट भी ब्रेक डाउन हो गया, तो अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंचेगा? इट विल. अब नेक्स्ट उसका डेस्टिनेशन क्या है? उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन.
समझ आ गई बात? फूड यहां से निकल के पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर की तरफ. दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में बाद में आएगा फूड, एंड इट इज आउटर. एंड ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके बारे में भी बताते हैं, पर पहले समझते हैं कि स्टमक के बारे में कैसे पता चला. स्टमक के साथ में जो स्टमक का जो रोल है, स्टमक की जो फंक्शनिंग है, ये सारी की सारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये जो वर्किंग है या फंक्शनिंग ऑफ स्टमक है, ये एक बड़ी ही मजेदार किस्से के साथ हुआ था. कैसे पता चला फर्स्ट टाइम? तो देर वॉज अ मैन नेम्ड एलेक्सिस मार्टिन, जो कि 1822 में ही वॉज बैडली हिट बाय अ बुलेट, ठीक है, शॉटगन, जो उसके स्टमक में लगा था, उसकी चेस्ट वॉल को डैमेज कर उसके जो स्टमक था उसमें होल हो गया था, ठीक है. सो ही वेंट टू अ डॉक्टर. वो डॉक्टर जो था वो एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर था, ब्यूमॉन्ट उसका नाम था, विलियम ब्यूमॉन्ट. एंड वो जो डॉक्टर था उसने उसकी जान तो बचा ली, पेशेंट की जान तो बचा ली, लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस नहीं थी, वो जो होल था ना उसको बंद नहीं कर पाया. आपको पता है अगर बुलेट कहीं पर पियर्स करेगी तो वो होल वहां पर कर देगी, है ना. तो वो जो बुलेट थी वो उसने होल तो उसके स्टमक में कर दिया और उसने उसको बचा भी लिया, पेशेंट को बचा लिया, लेकिन क्या हुआ कि वो उसके होल को रिपेयर नहीं कर पाया. तो उसने क्या किया, उसको बैंडेज कर दिया, उसको कवर कर दिया कि कोई इन्फेक्शन या कुछ ना हो. लेकिन जब तक वो पेशेंट रिकवर हो रहा था उसके पास में, उसको एक चांस मिल गया कि वो उसके जो उसने बैंडेज की थी ना उसको ओपन करके उस होल के थ्रू स्टमक के अंदर उसको देखने का चांस मिल गया. सो ही वॉज ऑब्जर्विंग द थिंग्स विच वर हैपनिंग इनसाइड द स्टमक थ्रू दैट होल, ठीक है, बाय द टाइम द पेशेंट वॉज रिकवरिंग. तो वो जब उसके होल के थ्रू वो चेक कर रहा था तो उसे पता लगा कि बहुत सारी उसकी ऑब्जर्वेशन है. उसने देखा कि स्टमक जो है वो चर्न करता है फूड, जैसे मैंने आपको भी बताया, हम लोग को तब पता चला कि फूड उसके अंदर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो कि ईसोफेगस से पास हुआ है वो वहां पर चर्न होता है, मिक्सिंग होती है, और उसकी वॉल्स जो है वो फ्लूइड सेक्रीट करती है. ही वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट दैट टाइम. उसने वो सब नहीं डिस्कवर किया, लेकिन उसने को ये पता लग गया कि जो वॉल्स हैं वो कोई एक फ्लूइड सेक्रीट कर रही हैं, जो कि फ्लूइड मींस कोई लिक्विड, वो लिक्विड था जो कि खाना जो था उसको डाइजेस्ट कर रहे थे. तो फूड वॉज बींग डाइजेस्टेड बाय द फ्लूइड विच वॉज बींग सेक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक. उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो एंड ऑफ द स्टमक है ना, दैट ओपन्स इनटू एन इंटेस्टाइन, तभी जब फूड इनसाइड द स्टमक इज, वहां पर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, तभी फूड यहां पर पास होगा. ये भी उसने ऑब्जर्व किया कि देयर इज अ टाइम पीरियड, ठीक है, और वो टाइम पीरियड के बाद में ही जब स्टमक में फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है, देन ओनली इट ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इट इज नॉट दैट यू आर गोइंग ऑन ईटिंग एंड ईटिंग, हमने मुंह में खाना डाला, वहां से फूड पाइप में आ गया, स्टमक में आ गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, एंड इजेशन भी हो गया. नहीं, देयर इज अ टाइम पीरियड, एंड दैट इज व्हाई हम लोग जब एक मील खाते हैं उसके एक टाइम गैप के बाद हमें फिर से भूख लगती है. यू रियलाइज दिस, यस और नो? एक टाइम पीरियड के बाद भूख लगती है. ऐसे नहीं कि हम खाते रहते हैं एंड वी कीप ऑन इजेक्टिंग ऑल्सो. नो, वी डोंट डू दिस. इजेस्टन हमारा साथ साथ में नहीं होता है. सो इट टेक्स टाइम बिकॉज वी हैव टू टेक, सी द नेचर हाउ इट हैज बीन बैलेंस्ड. उसने ये सारा सिस्टम, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, और इस सिस्टम में कितना डिसिप्लिन मेंटेन्ड है कि हम लोगों ने एक मील खाई, इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू गेट डाइजेस्टेड, और डाइजेशन के बाद में वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट फूड. हमें उस फूड से एनर्जी लेनी है तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम है. हमने खाया, एनर्जी मिली, एंड दैट्स इट. नो, वी आर स्टोरिंग दैट एनर्जी ऑल्सो फॉर द लेटर टाइम ऑल्सो, यस और नो? तो ये सारा बहुत डिसिप्लिन वे में, साइंटिफिक वे में ये सारा का सारा प्रोसेस होता है. विदाउट अवर रियलाइजेशन वी आर ओनली डूइंग वन वर्क. हम क्या काम कर रहे हैं? हम सिर्फ खाना खाने का काम कर रहे हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग ऑन इनसाइड अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आपको अब ये पता लग गया, नाउ यू हैव कम टू नो कि जो फूड है आफ्टर इट हैज रीच्ड द स्टमक, लेट अस रिकॉल क्विकली
एंड देन आई विल टेक अप योर डाउट्स. Food, when it has moved from the buccal cavity into the esophagus, will reach stomach. Stomach is a bag-like structure with thick walls. जो इसकी walls होती हैं, they are secreting three important, you can say, leak fluids. One is mucus, the other is digestive juices, and the third one is hydrochloric acid. We must know function of each. Mucus is protecting the lining and the inner cells or tissues of the stomach. Digestive juices are acting on the protein component of the food, and they are breaking down the proteins into simpler compounds or simpler substances. Hydrochloric acid, which is secreted by the walls of the stomach, is making the medium or food acidic for the digestive juices to act and break down proteins. All right, and after the digestion is complete inside the stomach, and then only, that means the food protein part is being broken down, then it moves to the next destination, that is small intestine. But before we move on to small intestine, we will study about small intestine also. But food jab small intestine mein pahunchta hai na, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. बहुत ज्यादा कॉइल मतलब बहुत लंबी ट्यूब है. इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉइल्ड. कॉइल्ड मतलब फोल्डेड है बहुत ज्यादा. और फोल्डेड आप सोचेंगे कितनी इसकी लेंथ है. इट इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग. 7.5 मीटर्स लॉन्ग इन एन एडल्ट. आप सोचिए इट्स ऑलमोस्ट इट्स इवन लॉन्गर देन अ साड़ी. एवरेज साड़ी की जो लेंथ होती है ना, दैट इज अराउंड 5 मीटर्स. तो इट इज 7.5 मीटर्स. ठीक है, लेकिन ये इतनी लंबी ट्यूब हमारे स्टमक के अंदर फोल्ड कर यहाँ पर पड़ी हुई है. ठीक है, इट्स हाईली फोल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इट इज वेरी लॉन्ग. लेकिन उसको स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी ट्यूब है ना, वो बहुत नैरो है. आप बोलेंगे उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन वो इतनी लंबी है. लार्ज इंटेस्टाइन जो कि छोटी है, उसका नाम लार्ज है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहते हैं, भले ही वो उसकी लेंथ ज्यादा है, उसकी जो विड्थ है नैरो है. ठीक है, विड्थ इज लेस, सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारी बेली में या स्टमक में पूरी फोल्डेड वे में हमारे यहाँ पर पड़ी हुई है. एंड इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन जो मेन रीजन है जहां पर एब्जॉर्प्शन भी होगा एंड जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्लस उसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में फूड में से एब्जॉर्प्शन भी होगा. एब्जॉर्प्शन किन चीजों का होगा? न्यूट्रिएंट्स का होगा. सो ये दो चीजें यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी. लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर इट इज रिसीविंग, व्हेन द फूड इज रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज रिसीविंग डाइजेस्टिव जूसेस from two other important organs. ठीक है, it is receiving some secretions, some juices from one of the most important part of our digestive system and body, that is liver. एक है ये liver और दूसरा है ये blue color का a leaf-like structure, smaller one, which is called as pancreas. ठीक है, ये दो important organs हैं जो कि associated हैं with small intestine या digestive system के साथ. और ये अपनी secretions जो हैं small intestine में pour करते हैं. और small intestine की अपनी own डाइजेस्टिव जूसेस भी हैं. तो तीन तरह के जूसेस अब एक्ट करेंगे फूड के ऊपर व्हेन इट रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, आपको पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से पार्शली ब्रेक डाउन हो गए. हमें ये भी पता लग गया कि प्रोटीन्स भी पार्शली ब्रेक डाउन हो गए. लेकिन हमारी बॉडी में, हमारे फूड में अभी भी फैट्स प्रेजेंट हैं, जो कि एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड है, वो अभी भी प्रेजेंट है. अब होता क्या है, जो लिवर, पहले लिवर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लिवर अपनी सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेगा एज द फूड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन. तो लिवर जो है, इट इज द लार्जेस्ट. यू हैव टू रिमेम्बर दैट लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड
ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है कि जो लिवर है, ठीक है, ये लिवर जो है इट इज सिक्रीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. इट इज अ ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द राइट हैंड साइड के ऊपर है. स्टमक इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड द लिवर इज ऑन राइट हैंड साइड एंड अपर राइट हैंड साइड के ऊपर प्रेजेंट है. ये बहुत तीन कॉम्पोनेंट्स में या तीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. इट्स अ बिग ग्लैंड एंड इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड. इट सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जूस विच इज कॉल्ड एज बाइल जूस. ये जूस हमारे फ्रूट जूसेस की तरह नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. बाइल जूस लिवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस. और बाइल जूस जो है वो स्टोर किया जाता है फॉर सम टाइम. ये तो सेक्रेट करता रहता है ना, तो इट इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम इन दिस स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर. क्या कहते हैं इसे? गॉल ब्लैडर. तो ये गॉल ब्लैडर जो इसके साथ ही एसोसिएटेड है इन फ्रंट ऑफ लिवर है, गॉल ब्लैडर में थोड़ी देर स्टोर होता है क्या? बाइल जूस. बाइल जूस किसने सेक्रेट किया? लिवर ने. तो लिवर ने जो इम्पोर्टेंट सेक्रीशन दी है वो है बाइल जूस. बाइल जूस स्टोर होता है फॉर सम टाइम इन गॉल ब्लैडर. और बाइल का इम्पोर्टेंट रोल क्या है? बाइल इज द वन विच इज डाइजेस्टिंग फैट्स. बाइल जो है वो फैट कंपोनेंट ऑफ द फूड के ऊपर वर्क करता है और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. इट ब्रेक्स डाउन. फैट्स अगेन आर वेरी बिग components of the food. इनका structure जो है बहुत complex होता है तो उसको break down करना पड़ता है और bile juice इसको break down करके simpler substances में convert कर देता है. We'll be studying what happens at the end when we are studying the small intestine को end करेंगे तब. अब तीनों partly digested food जो है यहाँ पर pancreas भी अपना role कर रहा है. pancreas जो है वो एक cream color का छोटा सा colored gland है एंड इट इज जस्ट बिलो द स्टमक. स्टमक के बिल्कुल नीचे है आप देखिए. और इसका काम क्या है? पैनक्रियाटिक जूसेस. तो एक हो गया बाइल जूस फ्रॉम लिवर और दूसरा हो गया पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस. ये तो सिंपल है, याद रहेगा आपको कि पैनक्रिया से कौन सा जूस आ रहा है? पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है. और ये पैन, ये जूस जूस जैसे नहीं है, हम वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं. दीज आर सम सेक्रीशंस, लिक्विड्स हैं, ठीक है, जो सेक्रीट कर रहे हैं. सो ये पैनक्रियाटिक जूस जो है इट एक्ट्स ऑन, आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गए, प्रोटीन्स भी हो गए, फैट्स भी हो गए. अब पैनक्रियाटिक जूस जो है वो अगर पार्शली सारे डाइजेस्ट हुए थे तो पैनक्रियाटिक जूस इज एक्टिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड इट चेंजेस देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, इनको सभी के ऊपर जो थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स है उसके ऊपर एक्ट करता है पैनक्रियाटिक जूस एंड इट कन्वर्ट्स देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. समझ आ गई बात? तो अब ये जो सारे के सारे पैनक्रियाटिक जूस ने ब्रेक डाउन कर दिया फैट्स को कंप्लीटली, अब किस स्टेज में ये कन्वर्ट हुए? आपने ये याद रखना है कि ये जो तीनों चीजें हैं ये अपनी सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी ओन क्या है? इंटेस्टाइनल जूसेस. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सेक्रीट कर रहा है? इंटेस्टाइनल जूसेस. सो आई कंप्लीट दिस नाउ. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या सेक्रीट कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने जूस भी हैं. इट इज नॉट ओनली टेकिंग द जूसेस फ्रॉम अदर्स, इट इज सेक्रीटिंग इंटेस्टाइनल जूसेस. और इंटेस्टाइनल जूसेस जो है फाइनली सारे प्रोटीन्स, कंपोनेंट्स, फैट्स सबके ऊपर एक्ट करता है. जो थोड़ा बहुत भी इनकम्प्लीट रह गया था डाइजेशन सबको ब्रेक डाउन कर देगा एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. अब बिफोर वी वाइंड अप टुडे लेट अस रिकॉल क्विकली बिकॉज देयर इज वेरी लेस टाइम लेफ्ट. तो अब इंटेस्टाइनल जूसेस के बाद में जो हमारे सिंपलर सब्सटेंसेस हैं वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं? वो कौन से सिंपलर सब्सटेंसेस हैं? जो आपने ये याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, दे आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज. सबसे सिंपल